दोस्तों अगर हम लोग स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग है तो यही है। तो गाइस चलिए हम आगे की ओर चलते हैं भोलेनाथ की नगरी की ओर। तो जोर से बोलिए हर हर महादेव। जीना लाइफ को ऐसे ही जीना है जहां मैं हर दिन कुछ नया देखूं, कुछ नया सीखूं। एंड ट्रैवलिंग gives me this feel। तो गाइस ये सब मेरे मित्र हैं, सब यूपी से हैं, बहुत अच्छे हैं और इन लोगों से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोले ना यात्रा, आप एक बार यात्रा का प्लान तो बनाओ, सब अच्छे मित्र लोगों से मुलाकात हो ही जाती है। बस कहने की बात है कि अकेले सफ़र नहीं किया जाता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि अकेले सफ़र करो तो सबसे अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, जैसे कि ये लोग हैं। इस रास्ते के दौरान आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें की दुकान मिल जाएगी, तो थोड़ा महंगा रहता है लेकिन आप लोग खा सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ आपको वहाँ 10 में मिलेगा वो यहाँ पर आपको 20-50 तक में मिलने की संभावना है। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ तक हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं केदारनाथ की दूरी 10.5 है और छोटी लिनचोली 3.5 है और बेस कैंप 9 किलोमीटर। तो चलिए 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर कर लिए और आगे भी ऐसे महादेव का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। भीम बली यहाँ से 5 किलोमीटर है गाइस। पर्वतीय मार्ग है, कृपया देखभाल करके चले, सुरक्षित चले, तो कृपया सावधानी पूर्वक चले। तो गाइस वहाँ का व्यू देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ में पूरा ग्लेशियर है। वहाँ सूर्योदय हो गया है लेकिन हमको यहाँ से दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम जो अभी देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। गाइस प्रकृति का नज़ारा देखिए और आनंद लीजिए आप लोग भी। अभी हम लोग ऐसे जाते हुए सीधा ऊपर की ओर जाते हुए, ऊपर फिर पहाड़ है, फिर वैसे ही हम लोग अभी जाएंगे। और दोस्तों रास्ते में जगह जगह पे आप लोगों को प्रकृति का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। तो जैसे कि अभी आप लोगों को पांडे जी दिखा रहे हैं, ये सब देखिए। तो गाइस अभी हम लोग सीधे ऐसे ही जाएंगे। गाइस देख सकते हैं कुदरत का कितना अद्भुत दृश्य है और वहाँ सूरज भगवान का किरण आ गया ऊपर पहाड़ के ऊपर। अभी धीरे धीरे नीचे वे आ जाएगा और वो जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अभी हम लोग इस रास्ते से ऐसे हो जाएंगे ऊपर की ओर चढ़ते हुए, फिर वहाँ देखिए व्हाइट ग्लेशियर दिख रहा है, तो हमारे महादेव वहाँ विराजमान हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, फिर महादेव से मुलाकात करते हैं और ये चीज़ के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। गाइस जैसे जैसे महादेव के निकट पहुंच रहे हैं मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बोल रहे कब मिले महादेव से। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, महादेव से मुलाकात करते हैं और आप लोग मेरे साथ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि महादेव जी से मुलाकात करते हैं। जय वीर बजरंगी। दोस्तों हम लोग अभी ऐसे जाना है, फिर वैसे जाते हुए ऊपर की चढ़ाई करते हुए फिर एकदम ऐसे ऊपर जाना है। तो देख सकते हैं कितना ऊपर, वैसे ही हम लोग को सेम जाना है। तो यहाँ से रास्ता गया हुआ है वो देखिए। तो गाइस देख सकते हैं अंकल आंटी लोग जा रहे इतने बुजुर्ग होने के बाद भी पैदल मार्ग भोलेनाथ की यात्रा पर, लेकिन कुछ जवान लड़के लोग घोड़े में बैठ के जा रहे हैं। तो इन लोग से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर श्रद्धा हो तो कुछ भी मतलब पॉसिबल है। दोस्तों यात्रा के दौरान हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कुछ भी आप लोगों से मिस करें, तो हर कुछ हम जो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप लोगों के साथ हर कुछ शेयर भी करेंगे आगे भी। तो आप लोग ब्लॉग में ऐसे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं प्रकृति का नज़ारा।
जय भोले की। दोस्तों ऐसा नज़ारा आपको कहाँ देखने मिलेगा, सिर्फ ऐसा नज़ारा आपको भोले की नगरी में ही देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्ग है, भोलेनाथ का स्वर्ग है, जो हम लोग को भोलेनाथ के आशीर्वाद से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों सच बता रहे हैं, नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है। थोड़ी तकलीफ हो रही है चलने में, लेकिन भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं तो सब भोलेनाथी कष्ट दूर करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय भोले की, हर हर महादेव। दोस्तों अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है, होता है। और यहाँ पर आइए, भोलेनाथ का दर्शन करिए और आसपास का प्रकृति का नज़ारा लेते हुए भगवान के द्वार की ओर आगे बढ़िए। जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे आप भी बढ़िए। तो चलिए चलते हैं भोलेनाथ की द्वार की ओर। तो गाइस यात्रा के दौरान थोड़ी कठिनाई होगी आप लोग को, बट कोई नहीं, महादेव का नाम लीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जैसे कि आपके पांडे जी आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दर्शकों को थोड़ा बताइए, मतलब ये कब शुरू होता है और कब बंद होता है? ये केदारनाथ के कपाट मतलब मई में जाते हैं और अक्टूबर दीपावली की मतलब एक भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर कब ओपन होती है? उसके बाद फिर मई में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु या कोई भी यहाँ नहीं रहते है ना? नहीं, उसके बीच कोई नहीं रहता है यहाँ, मतलब गौरीकुंड से ऊपर पूरा मतलब बर्फ से ढक जाता है, पूरा बंद हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ दिवाली के बाद जो पार्ट बंद होती है, उसके बाद तो यहाँ पर पूरा बहुत स्नोफॉल होता है, उसके बाद कपाट महादेव की बंद हो जाती है। तो गौरीकुंड में कुछ श्रद्धालु रहते हैं यहाँ पे और कुछ पब्लिक भी यहाँ पर रहती है। तो चलिए अभी हम भैया के दुकान पे आए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, पहाड़ का मैगी को टेस्ट करते हैं। वैसे लास्ट ब्लॉग में भी हम आप लोगों को पहाड़ के मैगी के बारे में बताए थे, बाकी टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो चलिए हम लोग भाई लोग हैं साथ में, सब अभी ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं और उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर आगे की ओर चलेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए गाइस, पहाड़ का मैगी को टेस्ट करते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो वेट करते हैं मैगी बन के आता है, फिर हम लोग खाएंगे, खाने के बाद फिर आगे की ओर चलेंगे। बाकी ट्रिप के दौरान बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप लोग भी आइए यहाँ पर, एक्सपीरियंस करिए हर एक चीज़ को। गाइस बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोग बद्रीनाथ का दर्शन करने जाएंगे। तो भैया जो है जिनके यहाँ लोग मैगी का ऑर्डर दिए हैं, तो इनसे ऑल डिटेल हम लोग ले लिए हैं कि बस कहाँ से मिलेगी, होटल कहाँ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जैसा हमसे एक्सपीरियंस करेंगे आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग भी अगर आओ तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो गाइस हमारा मैगी अभी आ चुका है बन के और ये हमारे तीनों भाई भी स्टार्ट करने वाले, तो चलिए मैगी खाते फिर उसके बाद बताते हैं। तो अभी हम लोग मैगी की खा लिए, तो दोस्तों से पूछते हैं कैसा लगा मैगी। सर बहुत टेस्टी। भाई कैसा था मैगी? टेस्टी। मज़ा आ गया ना खा के? तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर पहाड़ में आए तो पहाड़ का मैगी जरूर टेस्ट करें, बहुत टेस्टी था, स्पाइसी भी था, 50 रुपये प्लेट था, पहाड़ों के हिसाब से सही था रेट, कोई ज़्यादा महंगा नहीं था, बट टेस्ट की बात करूँ तो एक नंबर था। तो चलिए देख सकते हैं ये मंदाकिनी नदी है अपने कितने प्रभाव में बह रही है। तो गाइस यहाँ पर भी कुछ भैया हम लोग को मिले, ये लोग भी यूट्यूबर हैं, तो हम लोग भी साथ में ही अभी यात्रा कर रहे हैं, हम लोग आधे रास्ते में तो साथ में ही यात्रा करेंगे। मेरे चैनल का नाम है फौजी सीजे गेमिंग। भैया के चैनल का नाम क्या है? फौजी सीजे गेमिंग। डिस्क्रिप्शन में इनका चैनल का लिंक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया को सब्सक्राइब करिए, भैया को सब्सक्राइब जरूर करिए, इनको सपोर्ट करिए। और इनका ये जो बोया M1 माइक है ये मैं खरीदूंगा, थैंक यू, आप बताए मेरे को। चलिए यही एक बार और नाम बता दीजिए, पांडे जी 22 ब्लॉग से गाइस, आप लोग मेरे को प्लीज सपोर्ट करिए। देवों का देव महादेव। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे निकलते हैं यहाँ से, भैया लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो बोलो जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। तो गाइस रास्ते में कुछ यूट्यूबर मिले, उन लोगों का व्यवहार मेरे को बहुत अच्छा लगा, उन लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा, उन लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब आगे की ओर चलते। इस रास्ता के दौरान जब आप लोग पैदल यहाँ चढ़िएगा तो आप लोग को यहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत होगा ना, क्योंकि घोड़े खच्चर के चक्कर में आपको चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। गाइस सच में घोड़े खच्चरों के चक्कर में मतलब जो पैदल यात्री मार्ग करते हैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो आप लोग जब चले तो इनसे बच के और ध्यानपूर्वक चले, क्योंकि थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो उसमें एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग चले आराम से, इनसे बच के और सावधानी पूर्वक चले। हम आप लोग से यही विनती करेंगे कि हो तो पैदल ही चले, घोड़ों खच्चरों में आके क्यों जानवरों को तकलीफ देना। बाबा के द्वार में आ रहे, बाबा खुद शक्ति हम लोग को देंगे इतना दूर पैदल, और 16-17 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आप लोग चल सकते हो दोस्तों। यस ब्रो।
जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, बहुत श्रद्धालु चल रहे हैं। अरे हम तो किसी किसी को देखिए, अभी 20-21 साल के लड़के भी घोड़े में चढ़ गए हैं, तो देख सकते हैं ये तो कुछ भी हो जाए। हम लोग पैदल ही चले ये और पैदल ही वापस भी आएंगे, महादेव का नाम लेंगे और महादेव का नाम लेके भी वापस आएंगे। तो चलिए चलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस अब तक की चढ़ाई की ये चढ़ाई बहुत ही तकलीफ दे है, तो हम लोग का सांस फूल गया, देख लीजिए भाई का भी सांस फूल चुका है। तो हम लोग अभी थोड़ा देर यहाँ पर रेस्ट लिए हैं, फिर थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर चलते हैं, फिर महादेव का नाम लेके आगे चलते हैं। ये चढ़ाई रियल में पूरा ऐसे ही चढ़ाई है दोस्तों, तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है, कोई नहीं चलेंगे, चाहे जितना भी चढ़ाई आ जाए, क्यों दोस्तों चलेंगे ना। हर हर महादेव, महादेव का नाम लेके हम लोग आगे चलते ही रहेंगे। गाइस नीचे तो उतना ठंडा नहीं था, बट जैसे जैसे ऊपर की ओर आ रहे हैं, मंदिर की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो चलिए अभी जैकेट वैकेट पहन लेते हैं, हम तो जैकेट लेके आए। और दोस्तों आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, यहाँ अगर आ रहे हैं तो आप लोग गर्म कपड़ा ज़रूर साथ में लेके आइए, क्योंकि यहाँ मौसम हर क्योंकि यहाँ का मौसम हर टाइम चेंज होते रहता है, तो आप लोग साथ में अपना गर्म कपड़ा वपड़ा सब लेके आइए। सामने पहाड़, इसका व्यू बहुत शानदार। परेशान हो गए यार, कभी घोड़ा खच्चर मतलब चलने ही नहीं देता है, जहाँ तो चलो चलने का कोशिश करो वहीं आके घुस जाते हैं। और थोड़ा आप लोग बच के रहिएगा, नहीं तो थोड़ा भी धक्का मिला ना साइड में घुस जाइएगा आपको। अभी ठंड लग रही थी तो हम जैकेट और टोपी पहन लिए, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। तो देखिए अभी हम जैकेट और टोपी पहन लिए अपना, चलते हैं फिर आगे की ओर। सभी यहाँ पर हम लोग चाय नाश्ता के लिए रुके हुए थे, हर महादेव। और दोस्तों आप लोग से भी यही विनती है कि थोड़ा टाइम निकाल के महादेव के पास आए, महादेव से मुलाकात करें। लेकिन एक बात है, उनके परमिशन के बगैर तो कोई नहीं पहुँच सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं महादेव का नाम लेके, बस थोड़ी देर में बाबा भोलेनाथ से हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं महादेव की ओर। यहाँ जो फील हो रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल वाला फीलिंग है। आप लोग को हम बता नहीं सकते कि हम क्या अभी महसूस कर रहे हैं, मतलब एक सपना पूरा होना एक बहुत ही बड़ी बात है, और पांडे जी का ये सपना पूरा हो रहा है। आप लोगों की बदौलत और भोलेनाथ की बदौलत। गाइस यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, ऐसा लगता है हम बादल को छू रहे हैं, देख सकते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, चल चल के थोड़ा थक गए थे तो सांस फूलने लगा। तो ये भाई से मेरा मिलिए, क्या नाम है भाई आपका? मेरा भाई हेमंत नाम है, और साहब मैं उड़ीसा से आया हूँ। हाँ। जो चीज यहाँ पर मिल रहा है वो सारी जिंदगी में कहीं पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सही बात, सच्ची बात बता रहा हूँ, सही बात बोल रहे हैं। लेकिन कोई जन्म में कोई पुण्य काम किया होगा शायद, इसलिए भगवान की नगरी में आके सर झुकाना है उसका। जय भोलेनाथ की। तो गाइस ये देखिए हेलीकॉप्टर। कैसा लग रहा है मेरा दोस्त? गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग केदारनाथ धाम में आते हैं यात्रा के दौरान,
तो प्लीज़ कुछ भी प्लास्टिक के चीज़ों को यहाँ इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ ऐसे कचरा मत फैलाएं, क्योंकि इससे भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ को मत करें। जो चीज़ सामान का है, वेस्टेज है, उसको डस्टबिन में डालें या उसके बाहर जगह में डालें, इधर उधर ना फेंकें। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। चलिए,